तहनीत एंड आई एम गोइंग टू टीच यूस एम फाइव म्यूटिज्म अब सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है क्राइटेरिया एम ए कहता है कंसिस्टेंट फेलियर होगा टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन ठीक है जिन में एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इंडिविजुअल बोले डिस्पाइट ऑफ स्पीकिंग इन अदर सिचुएशंस, एज़ कम्पेयर टू अदर सिचुएशन उस स्पेसिफिक सिचुएशंस में एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिविजुअल्स बोलेगा जिस तरह स्कूल uh, में जो इंडिविजुअल है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई ये पढ़ेगा या इसकी प्रेजेंटेशन है तो ये बोलेगा आके okay. तो वो वहाँ पर नहीं बोल पाता इंडिविजुअल एग्जाम्पल दिए प्रेजेंटेशन ठीक है अब जो डिस्टर्बेंस है वो इंटरफेयर करेगी एजुकेशनल या ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट के साथ या फिर सोशल कम्युनिकेशन के साथ जो ड्यूरेशन है डिस्टर्बेंस की वो एटलीस्ट वन मंथ है ठीक है लेकिन जो फर्स्ट मंथ ऑफ स्कूल है उसके साथ लिमिटेड नहीं है जब इंडिविजुअल जो है या बच्चा जो है वो स्कूल का फर्स्ट मंथ होता है तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स बनाने होते हैं जब वो फ्रेंड्स बन जाते हैं तब वो खुल के उनके साथ रिलैक्स होकर बोल लेते हैं लेकिन वन मंथ हो गया है अब वो उसको गुजर चुके हैं स्कूल में उसको तीन चार महीने गुजर चुके हैं फ्रेंड्स भी हैं लेकिन सब इंडिविजुअल्स के सामने जाके वो नहीं बोल सकता क्लास में वो बच्चा खड़ा होकर नहीं बोल सकता इट्स मीन देयर इज़ सम प्रॉब्लम और बहुत कम उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो बोलता भी है अब जो फेलियर टू स्पीक इज जो वो है वो एट्रीब्यूटेबल नहीं है लैक ऑफ नॉलेज के साथ या कंफर्ट के साथ या स्पोकन लैंग्वेज के साथ बात ये भी होता है कि जो इंडिविजुअल है वो जो जबान बोलता है वो उसको जहाँ पे वो उसने बोलना है वहाँ पर वो ज़बान समझी नहीं जा रही होती या फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है तो इस वजह से भी वो म्यूट होता है तो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है और डिस्टर्बेंस है ये दिस किसी और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन नहीं होगी ना ही एक्सक्लूसिवली कोर्स ऑफ डिले सॉरी ऑटिजम स्पेक्ट्रम्स के जीनिया या किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर के दरमियान होगी अब डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स की तरफ आएँ जब इनकाउंटर कर गए इंडिविजुअल सोशल इंट्रेक्शन के साथ जो बच्चे हैं जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म के साथ हैं वो इनिशिएट नहीं करेंगे स्पीच या फिर रिस्पोंड नहीं करेंगे जब उनसे बोला जाएगा लैक ऑफ स्पीच जो है वो सोशल इंट्रेक्शन में अकर होगा बच्चों एडल्ट्स की तरफ से अब जो बच्चे हैं जिन्हें सिलेक्टिव म्यूटिज्म है विल स्पीक अब अपने घर में बोलेंगे फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलेंगे लेकिन जब इवेंट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स या सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स के साथ जिस तरह ग्रैंड पेरेंट्स या कजन्स हैं उनके साथ बोलेंगे लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो ऑफनली मार्क्ड बाय हाई स्कूल सोशल एग्जाइटी ठीक है बहुत ज़्यादा सोशल एग्जाइटी होगी जो इंडिविजुअल है जो बच्चे हैं जिन्हें सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर है ठीक है ऑफ रिफ्यूज टू स्पीक एट स्कूल लीडिंग और एजुकेशनल एम्पेयरमेंट एज एट एज टीचर्स ऑफ फंड फाइन इट डिफिकल्टिल सच इज रीडिंग और रीडिंग भी नहीं करेंगे बोलेंगे ही नहीं वो ठीक है और जो लैक ऑफ स्पीच है ये इंटरफेयर करेगी सोशल कम्युनिकेशन के साथ आज दो जो बच्चा है वो जिसे ये डिसऑर्डर है वो यूज नॉन स्पोकन और नॉन वर्बल मीन के पॉइंटिंग राइटिंग उससे वो बता रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा कम्यूनिकेट करने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए वो ईगर नहीं है और उसके सोशल इनकाउंटर्स स्पीच इज़ नॉट रिक्वायरमेंट ठीक है वो इंगेज ही नहीं कर रहा अब एसोसिएटेड फीचर्स स्पोर्टिंग डायग्नोसिस एसोसिएटेड फीचर्स जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म में हमारे पास एक्सेसिव शाइनस फियर ऑफ सोशल एम्बेसमेंट सोशल आइसोलेशन विदड्रॉल क्लिंगिंग कंपल्सिव ट्रेड्स नेगेटिविज्म टेंपर टेंट्रम्स और या फिर माइल्ड ऑपोजिशनल बिहेवियर ओसा वाला बिहेवियर और एटीट्यूड जिसे कहने समाहौ उसका इस तरह से होता है कि वो बोलता नहीं है इंडिविजुअल आल दो चिल्ड्रेन विद दिस डिसऑर्डर जनरली हैव नॉर्मल लैंग्वेज स्किल्स और अइनली एसोसिएटेड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर देयर आल दो नो पर्टिकुलर एसोसिएशन विद स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड ठीक है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ कोई भी उनके सोसिएशन इस तरह से आइडेंटिफाइड नहीं हुई भाई उसकी वजह से हुआ वो इंडिविजुअल जो है वो नहीं बोल रहा इवन वन दीज डिसऑर्डर अब ये डिसऑर्डर्स भी प्रेजेंट हों तो एग्जाइटी प्रेजेंट होती है तब भी क्लिनिकल सेटिंग्स में जो चिल्ड्रन हैव विथ म्यूटिज्म ऑलमोस्ट ऑलवेज गिवन एन एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ अनदर एग्जाइटी डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर अब जिन इंडिविजुअल्स को सेक्टिव म्यूटिज होता है उनको मोस्टली एक और डिसऑर्डर इसका साइड डायग्नोसिस दिया जा सकता है जाता है बल्कि सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर को उनको सोशल सेटिंग में बोलने में मसला और होता है प्रवलेंस जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म की रिलेटिव रिलेटिवली रेयर डिसऑर्डर है और इज नॉट इंक्लूडेड एज डायग्नोस्टिक कैटेगरी इन एपिडोमोलॉजिकल स्टडीज ऑफ प्रवलेंस ऑफ चाइल्ड हुड डिसऑर्डर्स ठीक है और जो पॉइंट ऑफ प्रवलेंस है यूजिंग वेरियस क्लिनिक और स्कूल सिम्टम्स रेंज करती है जीरो पॉइंट थ्री परसेंट से वन परसेंट जो कि डिपेंड करती है सेटिंग के ऊपर क्लिनिक वर्सेज स्कूल वर्सेज जनरल पॉपुलेशन जो एज ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल है वो सैम्पल में उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है जो प्रवलेंस ऑफ डिसऑर्डर है ये वेरी uh, करती है सेक्स रेस और एथनेसिटी के ऊपर वैरी करती नहीं दिखाई देती बल्कि और जो डिसऑर्डर uh, है मोर कॉमनली लाइक टू मैनिफेस्ट इन यंग चिल्ड्रन रदर देन एडोलेसेंट आर एडल्ट डेवलपमेंटल कोर्स की तरफ हम इसके आए जो ऑनसेट ऑफ है म्यूटिज्म डिसऑर्डर का यूजली बिफोर एज ऑफ फाइव ईयरस है लेकिन जो डिस्टर्बेंस है मे नॉट कम टू क्लिनिकल अटेंशन अनटिल कि तो वो बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग एज में जाए वो स्कूल में जाए ठीक है और इंक्रीज इन सो उसकी सोशल इंट्रैक्शन में इजाफा जा, हो जाए परफॉर्मेंस टास्क उससे होप किया जाने लगे कि भाई अब ये को परफॉर्म करेगा अब ये बोलेगा जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स हम सजेस्ट करती हैं कि जो मैं कई इंडिविजुअल्स होते हैं आउट ग्रो करते हैं स्लेक्टिव म्यूटिज्म जो लॉन्गिट्यूडल कोर्स ऑफ डिसऑर्डर है वो अननोन है जो प्रसिस्टेंस ऑफ डिसऑर्डर है वो वेरिएबल रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फीचर जो टेम्प्रेम्प्रामेंटल फीचर जो टेम्प्रामेंटल रिस्क होते हैं स्लेक्टिव म्यूटिज्म के वो वेल well डिफाइंड नहीं है नेगेटिव अफेक्टिविटी या बिहेबल इनहिबिशन जो है वो एक ही रोल प्ले करती है पेरेंटल हिस्ट्री ऑफ शाइनेस सोशल आइसोलेशन सोशल एग्जाइटी अब बच्चे जिन्हें स्लेक्टिव म्यूटिज्म होता है With receptive language difficulties compared with their peers, although the receptive language is still within the normal range. Now, receptive language still normal range. will show that environmental social inhibition is part of, on the part of parents may serve as a model for social resistance, retiance and selective mutism in children. जो पेरेंट्स होते हैं जिन बच्चों को सिलेक्टिव म्यूटिज्म होता है मोस्टली वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं या ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं जिनमें एग्जाइटी डिसऑर्डर या कोई डिसऑर्डर नहीं है जेनेटिक एंड फिजोलॉजिकल बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट ओवरलैप बिटवीन सेलेक्टिव म्यूटिज्म सोशल एग्जाइटी तो दे मे बी शेयर जेनेटिक फीचर्स बिटवीन दीज टू कंडीशंस कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज चिल्ड्रंस जिनकी फैमिलीज माइग्रेट करती हैं वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ सकते ठीक है अब यहाँ से कोई फैमिली जाती है अमेरिका उसके बच्चों को अभी इंग्लिश नहीं आती तो बच्चे चुप भी करेंगे और क्या करेंगे तो वो एक तरह से वो म्यूट हो गए लेकिन वो म्यूट म्यूलेक्ट म्यूटिज्म डिसऑर्डर में नहीं आएगा तो वो माइग्रेशन की वजह से ज़रा प्रॉब्लम उनकी आ गई थो, थोड़ी सी फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेलेक्टिव म्यूटिज्म सोशल एम्पेयरमेंट होगी बच्चा एंशियस होगा रेसिप्रोकल सोशल इंट्रैक्शन के दौरान दूसरे बच्चों के साथ इंट्रैक्ट करते हुए सोशल आइसोलेशन इंक्रीज हो जाएगी स्कूल सेटिंग में जो बच्चा है वो एकेडमिक इम्पेयरमेंट होगा सफ़र करेगा वो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा टीचर्स के साथ अपनी एकेडमिक या पर्सनल नीड्स के अकॉर्ड से रिलेटेड बात करते हुए जो स्वेयर इंपेयरमेंट होगी स्कूल सोशल फंक्शनिंग उसमें रिजल्टिंग फ्रॉम टीसिंग ऑफ बाय पीयर्स वो कॉमन हो जाएगी इन सर्टेन इंस्टेंसेस जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म है एक कंपनसेटरी स्ट्रेटेजी टू डिक्रीज एंक्स अराउज इन सोशल इंकाउंटर भी हो सकते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस कम्युनिकेशन डिसऑर्डर सबसे पहले हमारे पास आते हैं जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्पीच डिसऑर्डर दैट आर बेटर एक्सप्लेन बाय कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर स्पीच साउंड डिसऑर्डर चाइल्ड हुड्लेंसी डिसऑर्डर प्रेगमैटिक डिस अब इनमें क्या होगा कि अब जितने भी वो ऊपर डिसऑर्डर बताएँ उनमें बच्चे के बोलने में कुछ मसला है उसको लैंग्वेज लैंग्वेज में कोई मसला है लेकिन जो सिलेक्ट म्यूटिज्म है बच्चा बोल भी सही रहा है उसके पास लैक ला, ऑफ नॉलेज भी नहीं है नॉलेज भी अच्छी खासी है लेकिन वो बोल नहीं रहा वो सोशली डिस्ट्रेक्ट कर रहा है खुद को बोलने से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर अब इंडिविजुअल जिससे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जोफ्रीनिया या अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं या स्वेयर आई डी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है सोशल कम्युनिकेशन में कि वो बोल नहीं सकें इन कंट्रास्ट जो सेलेक्टिव म्यूटिज़म है यहाँ पे बच्चा जो है वो कैपेसिटी टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन तो वो वो बोल सकता है स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में घर में वो बोलता है या जिन लोगों के वो क्लोज हैं उनसे वो बोलता है सोशल एंगजाइटी डिसऑर्डर सोशल फोबिया जो सोशल एंग्जाइटी और सोशल अवॉइडेंस है आ, जो सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर में में भी वो एसोसिएट कर सकते हैं सिलेक्टिव म्यूटम के साथ इस केस में दोनों डायग्नोसिस दिए जाते हैं कोमोबिडिटी की तरफ आए जो मोस्ट कॉमन कोमोबिड कंडीशन है एग्जायटी डिसऑर्डर की मोस्ट कॉमनली सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो कि फॉलोड बाय सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक फोबिया अपोजिशनल बिहेवियर्स आर ऑल्सो नोटेड टू अक्कर एंड चिल्ड्रेन विद म्यूटिज्म दो अपोजिशनल बिहेवियर में बी लिमिटेड टू सिचुएशन रिक्वायरिंग स्पीच Communication delays or disorders are also may appear in some children with selective mutism.